एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, आज का वीडियो होने वाला है दिवाली ग्लोइंग अप वीडियो, जो कि मैंने होम रेमेडीज ट्राई करी हैं, जो कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने ट्राई करे हैं वो आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएंगे। और हैप्पी दिवाली। सो या वीडियो को ज्यादा डिले ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हो, उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाए। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप वहां पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट क्विकली होप इनटू द वीडियो। सो हमारी फर्स्ट स्टेप होने वाली है क्लींजर। सो क्लींजर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रॉ मिल्क। सो मिल्क से मैं अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लूँगी और नेक भी। सो आप इसके बाद में देख सकते हो कि कितनी डर्ट निकलेगी। अच्छे से आपको फेस नेक दोनों को क्लीन करना है, आप डर्ट देख सकते हो। देन उसके बाद में टैप वाटर से फेस वॉश कर लेना है ठंडे पानी से। देन हमारी सेकेंड स्टेप है स्क्रब। सो स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल, राइस फ्लोर, बेसन, ग्राम फ्लोर लिया है और यहाँ पे वाटर ऐड किया है। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स करने के बाद में कुछ इस तरीके सा थिक पेस्ट बन जाएगा। इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और स्क्रब करना है। जो राइस होता है वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। और जो हमारा बेसन होता है वो एक्सपोलिएट करता है स्किन को, जितनी भी डर्ट प्रेजेंट है, सन टेन है, उसको रिमूव करने करता है। सो या आप इसको भी अप्लाई करने के बाद में इसको अच्छे से धो लो। फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद में हमारी थर्ड स्टेप है फेस सेविंग। सो मैं यहाँ पे कारमेसी के रेजर्स यूज़ कर रही हूँ। सो फेस सेविंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगाया है फेस पे। आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद में रिवर्स डायरेक्शन में आपको हेयर को रिमूव करना है 45 डिग्री के एंगल पे। और ये फेस सेविंग करने के बाद में आपका जो भी मेकअप होता है वो एकदम फ्लोलेस हो जाता है। सो या इसीलिए मैं अपनी फेस सेविंग घर पर ही करती हूँ, मुझे वैक्स कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो और आईब्रो भी मैं घर पे ही कर लेती हूँ अगर मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं होता है तो। सो मैं यहाँ पे कारमेसी का ही आईब्रो रेजर यूज़ करी है। बहुत ही अच्छा आईब्रो रेजर है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से अपना काम करता है। इसका जो शेप है वो भी परफेक्टली है। सो आप देख सकते हो मेरी आईब्रो एकदम परफेक्टली बन गई है। सो हमारी फोर्थ स्टेप होने वाली है फेस पैक। सो फेस पैक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, हल्दी और शहद यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे ऐड किया है मलाई। सो मलाई की जगह आप कर्ड का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन मलाई बहुत अच्छा मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है आपके फेस को। सो अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में इनको अच्छे से क्या करना है, फेस पे अप्लाई करना है। थिक सा पेस्ट बन जाएगा। सो इसको अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लेना है। आपको बेसन का पता है एक्सपोलिएट करती है स्किन को। और यहाँ पे मैंने टर्मरिक ली है जो कि एंटीबायोटिक का काम करती है, जितने भी पिंपल्स वगैरह एक्ने होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है। और हनी हमारी स्किन को लाइटन अप, ग्लास स्किन बनाने में हेल्प करता है और अच्छी शाइन प्रोवाइड करता है। सो मैंने इसको नेक एंड हैंड्स पे भी लगाया। देन उसके बाद मैं फेस वॉश कर लिया। आप देख सकते हो स्किन कितनी ग्लो कर रही है। सो या इसको ट्राई करने के बाद में अब नेक्स्ट बारी है हमारी लिप स्क्रबिंग की। इसको हम कैसे भूल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है कॉफ़ी पाउडर और मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ हनी, जो कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी क्या करती है, हमारे जितने भी जो भी ब्लैक लिप्स होते हैं उनमें जितना भी पिगमेंटेशन प्रेजेंट होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे मैंने हनी लिया है जो कि हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज रखेगा। सो अच्छे से स्क्रब करने के बाद में आप देख सकते हो मेरा फेस एंड लिप्स, सो अच्छे से स्किन हाइड्रेट हो गई है। सो या इस वीडियो, होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इसी तरह की न्यू वीडियोस देखना है तो कमेंट्स करके जरूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स करके बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।